फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे हेयर पैक की बात करूंगी जो आपके सफ़ेद बालों को जड़ से काला करेगा। डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो ये 110% उसको कम करेगा। बालों में रूखापन रहता है या फिर आप कह सकते हैं ड्राइनेस रहता है, ठंड में ड्राइनेस और डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको भी ये क्योर करेगा। कंटिन्यूस इसको यूज़ करेंगे तो प्री मैच्योर ग्रेइंग या फिर आपके सफ़ेद होते हुए बालों की रफ्तार कम होगी और आपके बाल सिल्की शाइनी स्मूथ भी होंगे और काले भी होंगे। सो इस वीडियो में मैं आपको होम रेमेडी शेयर करूंगी। 100% होम रेमेडी है, साथ ही साथ एक घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई गई है एंड 500% इफ़ेक्टिव है। फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगी एंड देन एप्लीकेशन भी शेयर करूंगी। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिएगा। रेमेडी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स वालों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए बिंदु नेचुरल वर्ल्ड को, आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए घंटी को दबाइए, ये बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले फ्रेंड्स, ठंड का टाइम है, हमें अपनी स्कैल्प पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि जब डैंड्रफ हो जाता है तो डैंड्रफ से आपके जो हेयर फॉलिक्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और आपके जो हेयर हैं उनको अच्छे से न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता है, हेयर लॉस भी होने लगता है, साथ ही साथ हेयर ड्राई भी होने लग जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको हेयर लॉस होने लगता है तो बहुत ही और भी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बात करूँगी एलोवेरा की। एलोवेरा जेल जो है आपके बालों के लिए वरदान होता है। यहाँ पे मैं लीफ ले रही हूँ और ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मार्केट वाला यूज़ कर सकते हैं, बट ये जो हम प्योर यूज़ करते हैं, प्योर एलोवेरा जेल, इसकी बात ही कुछ अलग होती है। सो अगर आपके पास अवेलेबल हो ये प्योर वाले लीफ के एलोवेरा के पत्ते तो आप इन्हीं को ही यूज़ किया करें। एलोवेरा में मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी स्कैल्प में इचीनेस को कम करती हैं, साथ ही साथ आपकी स्कैल्प को मॉइस्चर देती हैं। आपके जो हेयर फॉलिक्स हैं उसको क्लीन करके और उसको अच्छे से मॉइस्चर देगा, जिससे कि आपके जो बालों की जो रूट है वो मजबूत होगी। सो फ्रेंड्स, ये एलोवेरा जो है ये आपकी इची स्कैल्प को काल्म करता है, ऑयली हेयर को भी ये क्लीन करता है, साथ ही साथ मॉइस्चर भी देता है ताकि आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम ना हो और अगर एक्स्ट्रा सीबम प्रोड्यूस होता है तो वो ना हो। एंड देन हेयर स्ट्रैंड्स को, हेयर्स को ये रिपेयर करता है, स्ट्रेंथन करता है एंड हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। आपके बालों को डीपली पेनिट्रेट करके मॉइस्चर देगा, कंडीशन करेगा और साथ ही साथ आपके हेयर की ब्रेकेज को रोकेगा और स्लो डाउन करेगा आपके ग्रेइंग हेयर को। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने एलोवेरा ले लेना है। एलोवेरा के 2-3 लीफ ले लेंगे और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि एलोवेरा के मैंने 2-3 लीफ लिए हैं और यहाँ पे आप येलोइश पार्ट देख सकते हैं जो कि हमने यहाँ पे डिस्कार्ड करना है। आपने एलोवेरा लीफ को काटना है एंड देन उसको 15-20 मिनट के लिए रख देना है थोड़ा सा टिल्ट करके, ताकि उसका जो जहाँ से हमने काटा है वो जेल निकलता है तो जो येलोइश पार्ट है वो निकल जाता है 10-15 मिनट में। उसके बाद आप येलोइश पार्ट को काट सकते हो और साइड वाली जो पार्ट है उसको कट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको अच्छे से वॉश कर सकते हैं। सो इस तरह से आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। नाउ इसमें से हमने निकालना है एलोवेरा जेल। सो एलोवेरा जेल, एक तो आप सिंपल इसको पील ऑफ करके इसका जेल निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको विद छिलका भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मार्केट में जो एलोवेरा पाउडर मिलता है आपको वो छिलके का भी पाउडर इंक्लूडेड होता है उसमें। सो आप छिलका भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो पीसेस करके एक ब्लेंडर में आप डाल दें इसको और अच्छे से ब्लेंड कर लें क्योंकि ये बिल्कुल पानी होता है, मीन्स ये जेल है। सो वाटरी कंसिस्टेंसी होती है इसकी। सो जब हम इसको ब्लेंड करते हैं तो बिल्कुल पानी के जैसे रहता है और इसको हमने अच्छे से छान लेना है। सो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसका जो छिलका है उतार के जेल यूज़ करें। मैंने इसको इसी तरह से किया है क्योंकि हमने लास्ट में इसको छानना तो है ही, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से नहीं छानेंगे तो ये जो एलोवेरा के पत्ते का जो ब्लेंड है, जो गूदा है, वो आपके बालों में फंस जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपने इसको अच्छे से स्ट्रेन करना है और स्ट्रेन करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने हेयर मास्क के लिए। नाउ फ्रेंड्स, सेकेंड मैं बात करूँगी यहाँ पर हिबिस्कस फ्लावर्स की, गुड़हल के फूलों की। ना गुड़हल के फूल जो होते हैं वो बाल्डनेस, मीन्स बाल्ड गंजेपन को भी दूर करते हैं,
प्रीमेच्योर ग्रेइंग को कम करते हैं और आपके बालों को डीपली पेनिट्रेट करके कंडीशन करते हैं। अगर आपके बालों को न्यूट्रिशन मिलेगा, आपकी स्कैल्प हेल्दी रहेगी, हेयर लॉस नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके हेयर हेल्दी होंगे। एंड देन अगर डैमेज हो गए हैं आपके बाल, चाहे तो आपके केमिकल ट्रीटमेंट से हुए हैं या फिर ड्राई हो जाते हैं हिना इंडिगो से, तो ये वाले जो हेयर पैक होते हैं ये आप ट्राई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये आपके बालों के कलर को एनहांस करते हैं, साथ ही साथ आपके बालों को के रूखेपन को कम करते हैं। सो ये कंडीशन करने के काम आता है, फ्रीजी हेयर के लिए है, प्री मेच्योर ग्रेइंग को कम करते हैं और डैमेज हेयर को ये नरिशमेंट देता है, हेयर फॉल को प्रिवेंट करता है, हेयर थिनिंग को कम करता है, केमिकल यूज़ करने के बाद आपके हेयर पे जो बैड इम्पैक्ट पड़ता है उसको ये दूर करता है, ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट होता है आपके हेयर के लिए, आपके हेयर को रिपेयर करता है और आपके हेयर शाफ्ट को मजबूत करता है, जिससे कि आपके जो हेयर हैं वो हेल्दी दिखते हैं। सो यहाँ पे आपने फूल ले लेने हैं, 10-15 फूल जितने भी अवेलेबल हों आप ले लें, उसको अच्छे से धो लें और धोने के बाद आपने इसको साइड में रख देना है। नाउ फ्रेंड्स, मैं बात करूंगी यहाँ पे करी लीव्स की। करी लीव्स जो होते हैं वो भी आपके बाल्डनेस को कम करते हैं, बाल्डनेस को कम करके आपके नए बालों को उगाते हैं। करी लीव्स में बीटा कैरेटिन होता है, आपके बालों को बहुत ही अच्छे से ये क्लीन भी करता है, साथ ही साथ आपके बालों को काला करने में भी हेल्प करता है। सो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इसके। सो यहाँ पे करी लीव्स ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं, इसको भी हम हेयर मास्क में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने थोड़े से करी लीव्स लिए हैं, उसको अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद मैंने साइड में रख लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो हिबिस्कस फ्लावर्स धोए थे उसको पहले मैंने जार में डाला है एंड देन मैंने यूज़ किया है बनाना। बनाना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो बनाना यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं, बनाना की ज़रूरत नहीं है अगर आप बनाना यूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपने डालना है एलोवेरा जेल, जो मैंने हम जूस निकाला था वो यूज़ कर सकते हो, या फिर इस तरह से एलोवेरा जेल को निकाल के इसके अंदर डाल सकते हैं और दही यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो दही को भी स्किप कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने डालना है बिस्किस फ्लावर्स, एलोवेरा जूस एंड देन आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है और उसके बाद आपको बहुत ही अच्छी सी क्रीमी कंसिस्टेंसी में ये मास्क मिल जाता है। और इसके बाद हमने डाले हैं ऑयल, ऑयल आप डाल सकते हैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल, कैस्टर ऑयल, तो एक एक चम्मच दोनों डाल देंगे और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको अपने बालों में लगाना है, धुले हुए बालों पे लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट नज़र आएगा आपको। और साथ ही साथ ये जो हेयर पैक है ये छोटे बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, 8, 10, 12 साल से ऊपर के सारे बच्चे इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से हमने इसको स्कैल्प पे लगाना है और फिर हमने अप्लाई कर देना है पूरे बालों पे। तो अच्छे से अप्लाई करेंगे, मैंने यहाँ पे करी लीव्स भी ऐड की थी पैक के अंदर, तो आप चाहें तो उसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं, सिर्फ हिबिस्कस फ्लावर्स वाला पैक भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से पूरा अप्लाई कर लेंगे और आधे पौने घंटे बाद आपने नॉर्मल शैम्पू करना है, कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये कंडीशनर का ही काम करता है। सो कंडीशन आपके बालों में हो गया है, इसको हफ्ते में एक बार यूज़ करें। कंटिन्यूस 3 महीने यूज़ करने पर आपके जो हेयर का टेक्स्चर है वो ड्रास्टिकली चेंज होगा और आपको ही लाइक आपको फील होगा कि आपके जो बाल हैं पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। सो इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।